अरे 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 क्या हो गया भाई। और ये दोस्तों आगे जो है ये है कुल्लू। तो दोस्तों देखिए रास्ता खराब हो रखा है। तो दोस्तों आज है डे 3 और मॉर्निंग के वे हैं 8। झमाझम बारिश चल रही है भाई आज भी देखिए। और आपको बता दूं जो मनाली ले हाईवे है वो बंद कर दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है वहाँ पे, तो कुछ फ़ायदा नहीं है आगे जाने का। ये देखिए बहुत बुरा हाल है भाई, बारिश से लगातार तीसरा दिन है बारिश हो रही है। कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए यार इस ट्रिप में। तो गाइज तैयार हो चुके हैं हम, तो बाल भी देखिए मेरे वैसे हो रहे हैं, जस्ट हाथ मुँह धो के हम निकल रहे हैं, नहाने का कोई सीन नहीं है आज, होटल पहुंच के ही नहाएंगे। तो मोहित भी तैयार हो चुका है, बैग भी बिल्कुल हमारा पैक हो चुका है, अब बस निकलने की बारी है। तो जल्दी से गाड़ी में बैग सेट करते हैं और निकलते हैं। हालांकि अभी मैं GoPro नहीं लगा रहा हूँ, लगा भी सकता था लेकिन कुछ दिखाने का है नहीं, तो जहाँ पर बारिश थोड़ी रुक जाएगी तो उस समय मैं GoPro को अपने हेलमेट में लगाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों कुल्लू पहुँच चुके हैं हम और बारिश तो हो नहीं रही है, वैसे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है यहाँ पर। तो देखते हैं, मणिकरण जाने का प्लान है तो मणिकरण जाते हैं और वहाँ पर गुरुद्वारे में जाते हैं, उसके बाद चंडीगढ़ चले जाएँगे। तो कुल्लू में मौसम अच्छा है और अभी हम नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं। एक्चुअली क्या था, वहाँ से मनाली से सुबह जल्दी निकल गए थे और नाश्ता भी नहीं किया था, तो भूख भी लग रही है और ठंड बहुत है भाई साहब, यहाँ पे करीबन 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर हो रखा है। मणिकरण में 5 डिग्री टेम्परेचर है और मनाली में 1 डिग्री टेम्परेचर था रात को। रोहतांग पास जा नहीं पाए क्योंकि हैवी स्नोफॉल था और रोड बंद हो चुका है, जो भी मनाली ले हाईवे है वो पूरा बंद हो चुका है। तो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस कि वहाँ पे फंसने के लिए हम जाएँ। तो सोलांग वैली भी इसलिए नहीं गए क्योंकि रोड बंद हो गया है वहाँ पे, आगे के 4 से 5 दिन हैवी स्नोफॉल है। तो चलिए चलते हैं, तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद चलते हैं मणिकरण। तो दोस्तों मोहित के दोस्त आ गए मिलने उससे। मोहित पहचान लिया स्थिति है? देख तुझे भी पहचान लिया, इसका एक फोटो खींच लेता हूँ। अच्छा लग रहा है। अरे 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 क्या हो गया भाई? हाँ क्या हो गया? कुछ चाहिए खाने को भाई? कुछ दे देंगे यार, बिस्किट वगैरह दे देंगे। तो दोस्तों मौसम देखिए कितना खतरनाक हो रखा है, बादल तो अभी भी लगे पड़े हैं। और ये दोस्तों आगे जो है ये है कुल्लू। तो दोस्तों ठंड बहुत है और चाय आ गई हमारी, देखिए चाय पीता हूँ। ठंड में ना अमृत की तरह काम करती है चाय भी तो, और ऐसी ठंड में पराठे हो जाए ना मज़ा आ जाता है, तो पराठे भी आएंगे अभी। पीला चाय ठंडी हो जाएगी फिर क्या पिएगा? कोल्ड टी। कोल्ड टी पिएगा? कोल्ड टी नो, तो पी ले जल्दी। बोन फायर के पास चलते हैं अभी, वो करते हैं यार खाना वाना खा के थोड़ी देर 5-10 मिनट वो करेंगे। तो दोस्तों चलिए ब्रेकफास्ट हम करते हैं, पराठे आ जाएंगे थोड़ी देर में, और यहाँ पे बोन फायर लग गया है तो 5-10 मिनट हम हाथ सेकेंगे भाई, बहुत ठंड है, उसके बाद निकलेंगे। चलिए मिलता हूँ। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट हो चुका है और चलिए चलते हैं। अभी तो दोस्तों
चलिए कुल्लू को करते हैं टाटा बाय बाय, फिर मुलाकात होगी। चलते हैं मणिकरण गुरुद्वारे की तरफ। देखिए बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, देखिए पत्थर ही पत्थर गिरे हुए रास्ते में। मौसम देख सकते हैं आप आगे पहाड़ों में, और बहुत ही ठंडा मौसम हो गया यार। हाथ भी मेरे ठंडे हो गए हैं, ग्लव्स गीले हो चुके हैं। तो कल मैंने माल रोड से लोअर लिया था वाटरप्रूफ, और बट यार क्वालिटी अच्छी नहीं थी, 400 रुपए का था, तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ क्वालिटी से। तो टाइम अभी हो चुका है करीबन 10:45, लगभग 45 मिनट से एक घंटे तक का हमने ब्रेक लिया, अभी ब्रेकफास्ट किया था, अब सीधे रात को ही डिनर करेंगे। तो पहले तो चलते हैं गुरुद्वारा, आई होप बारिश ना हो रही हो यार वहाँ पे। चंडीगढ़ का भी हाल ऐसे ही क्लाउडी है, बट आई थिंक वहाँ बारिश नहीं होगी, एक्सपेक्टेड कम है बारिश। तो दोस्तों यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट, ये ऐसा ही मैंने एक ब्रिज ना उत्तराखंड जाते हुए रोड में देखा था, टनकपुर से आगे धनुष के आकार का ब्रिज है। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में आप व्यास नदी देख रहे होंगे, पानी का बहाव थोड़ा तेज है आज क्योंकि बारिश हो रही है। यहाँ जाके फील आ रहा है मुझे कि हम पहाड़ों में चढ़ रहे हैं। अभी तक ऐसा लग रहा था चौड़ी चौड़ी रोड्स थी, लेकिन यहाँ सही है यार। तो दोस्तों हरियाली ही हरियाली है, बट यार बारिश ने मूड खराब कर दिया हमारे ट्रिप में, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी, हमेशा तैयार रहना है। तो फिर भी हम जा रहे हैं सिर्फ आपके लिए और अपने लिए भी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एंड हाँ बेल आइकन को भी बिल्कुल दबाइए, ताकि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों देखिए व्यू कितना औसम है, व्यास नदी बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड पे है। धुंध भी हो रही है यार हल्की हल्की, तो लीजिए मजा रास्तों का। मंजिल अभी अपनी थोड़ी दूर है, तब तक रास्तों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए रास्ता खराब हो रखा है, आराम से धीरे धीरे चलना चाहिए, रास्ता टूट भी रखा है आगे। तो दोस्तों बीच में एक छोटा सा शहर पड़ा है, और खूबसूरती देखिए इस गांव की, बहुत ही खूबसूरत गांव है, पर रोड की हालत बहुत ख़राब है भाई। यार ये क्या है भाई, हाँ देखिए सामने पता नहीं क्या है, ये सब वाइट कलर का पाइपलाइन टाइप की है कुछ, आई थिंक पानी का पाइप है, बट यार ये कुछ तो है भाई, बहुत ट्रैफिक है भाई यहाँ पे, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, सारी टूरिस्टों की गाड़ियाँ दिख रही है। दोस्तों देखिए
लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे पाइप ऊपर से नीचे आ रहा है। ये देखिए, पता नहीं क्या यार, जहां तक मुझे लग रहा है पानी का, नहीं यार पानी का तो नहीं हो सकता। ये बस हम कसौल पहुंचने वाले हैं। सात किलोमीटर है कसौल यहां से। दोस्तों कसौल हम पहुंच चुके हैं और सीन देखिए मेरे पीछे, बिल्कुल यह है व्यास नदी। बहुत ही ऑसम हो रखा है मौसम और ऊपर देखिए बिल्कुल बर्फ पड़ रही है। तो दोस्तों बस हम पहुंचने वाले हैं, एक किलोमीटर बचा हुआ है। हाँ ठंडा भी हो रहा है बहुत। ये रहा गुरुद्वारा, ये देखिए नीचे गुरुद्वारा है। पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी भाई, पार्किंग। ओ हो, खींच ले भाई खींच। स्कॉर्पियो निकालते हैं नीचे की तरफ, जहां तक जा सके हम चलते हैं, बाकी पार्किंग लगा लेंगे। बिल्कुल नदी, ओए होए गरम गरम हो रखा है पानी। ऊपर की तरफ है और बिल्कुल फ्री पार्किंग है। दोस्तों यहाँ गुरुद्वारा साहिब पहुंच चुके